नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में शुरू हुए जमीन सर्वे के बारे में। 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से शुरू हो गया है और इस सर्वे के पीछे सरकार का क्या मकसद है, इसे जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको सरल भाषा में बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से समझाएंगे कि सर्वे का उद्देश्य क्या है और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि जमीन सर्वे का महत्व क्या है। जमीन की सही जानकारी। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार में जितना भी जमीन है उसकी सही जानकारी और रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। इससे जमीन की मालिकाना हक की स्थिति स्पष्ट होगी। जमीन विवादों का समाधान। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद काफी समय से चले आ रहे हैं। सर्वे के जरिए सरकार इन विवादों का समाधान करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को अपनी जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई समस्या न हो। भूमि सुधार। बिहार में भूमि सुधार की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। इससे भूमि के सही इस्तेमाल की योजना बनाई जा सकेगी। नए भूमि रिकॉर्ड्स तैयार करना, पुराने और अधूरे भूमि रिकॉर्ड्स को ठीक कर नए और नया रिकॉर्ड्स तैयार करना इस सर्वे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि सुधार। कृषि योग्य भूमि की पहचान और उसके सही उपयोग के लिए यह सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है। इससे सरकार को कृषि से जुड़े सुधारों को लागू करने में आसानी होगी। अब आइए जानते हैं कि इस जमीन सर्वे के पीछे सरकार के मुख्य मकसद क्या है। भूमि स्वामित्व की पहचान। इस सर्वे का एक बड़ा मकसद यह है कि हर व्यक्ति की जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसके पास कितनी जमीन है और उस जमीन पर उसका अधिकार कितना वैध है। कानूनी विवादों का निपटारा। सरकार चाहती है कि जमीन से जुड़े सभी कानूनी विवादों का निपटारा हो सके। सही रिकॉर्ड्स के अभाव में लोग अक्सर अपनी जमीन से जुड़े विवादों में फंसे रहते हैं। इस सर्वे के जरिए सरकार इन विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रही है। भूमाफियाओं पर नियंत्रण। बिहार में कई जगहों पर भूमाफिया सक्रिय हैं जो जमीन हड़पने की कोशिश में रहते हैं। इस सर्वे के जरिए सरकार इन पर नकेल कसना चाहती है ताकि आम आदमी की जमीन सुरक्षित रह सके। डिजिटल रिकॉर्ड्स का निर्माण। सरकार का उद्देश्य है कि सभी जमीनों के रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप से जमा किया जा सके। इससे भविष्य में जमीन से जुड़े दस्तावेजों को प्राप्त करना और उनकी जांच करना आसान होगा। भूमि कर की वसूली। जमीन की सही जानकारी होने पर सरकार को भूमि कर वसूली में मदद मिलेगी। इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी और इसका उपयोग राज्य के विकास कार्यों में किया जा सकेगा। आवासीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के लिए भूमि की पहचान और सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह सर्वे महत्वपूर्ण है। इससे सही जगहों पर योजना का क्रियान्वयन हो सकेगा। जमीन सर्वे की प्रक्रिया में आपको भी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। आइए देखते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। दस्तावेजों की तैयारी। सबसे पहले अपने जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे पट्टा, खेसरा नंबर, म्यूटेशन प्रमाण पत्र, भूलेख रिकॉर्ड्स आदि को तैयार रखें। यह दस्तावेज आपके स्वामित्व को प्रमाणित करेंगे। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क। सर्वे के दौरान जब अधिकारी आपके क्षेत्र में आए तो उनके साथ सहयोग करें और अपनी जमीन की जानकारी सही तरीके से प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित करें कि सर्वे के समय आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जमीन पर मौजूद हो ताकि सर्वे की प्रक्रिया सही तरीके से हो सके। दस्तावेजों में सुधार। अगर आपके दस्तावेजों में कोई भी गलती है तो उसे जल्द से जल्द सुधारें। इसके लिए आप स्थानीय रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। कानूनी सलाह। अगर आपको अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कोई भी समस्या हो तो एक अच्छे वकील से कानूनी सलाह लें। वह आपको सही दिशा दिखाएंगे। जमीन सर्वे के कई लाभ हैं जो सीधे आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। मालिकाना हक का स्पष्ट निर्धारण। इस सर्वे के बाद हर व्यक्ति की जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो जाएगा जिससे भूमि विवादों की संख्या में कमी आएगी। कानूनी सुरक्षा। सही दस्तावेज होने पर आपकी जमीन कानूनी रूप से सुरक्षित रहेगी और कोई भी उस पर अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ। जमीन के सही रिकॉर्ड्स होने पर आप सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं, जैसे कि फसल बीमा, सब्सिडी आदि। सामाजिक सुरक्षा। जमीन का सही रिकॉर्ड समाज में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देगा जिससे लोग अपनी जमीन पर भरोसे के साथ खेती बाड़ी और अन्य कार्य कर सकेंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम बात की बिहार में 20 अगस्त से शुरू हुए जमीन सर्वे के बारे में।
सरकार का मकसद है कि राज्य में जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा हो, सही भूमि रिकॉर्ड्स तैयार हो और हर व्यक्ति को अपनी जमीन का सही हक मिल सके। इसलिए अगर आपके पास आपके जमीन से जुड़े सही दस्तावेज नहीं हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएं और इस सर्वे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द पंचायत को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह से जरूरी जानकारियां और अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।